हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। जैसा कि हमने पहले फोबिया और मैनिया वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 15 वर्ड आपको कंप्लीट करवाए थे, इसी टाइप के कुछ साइड वाले वर्ड हैं। यहाँ पर एक रूट वर्ड हमने लिया है साइड, ठीक है। तो साइड का मतलब क्या होता है? हत्या। ये वर्ड किसी की हत्या से रिलेटेड होगा, है ना, मर्डर बोलते हैं जिसको। जैसा आपने एक वर्ड सुना होगा सुसाइड, है ना, सबको पता सुसाइड। तो सुसाइड में एक वर्ड आता है SUICID, सुसाइड की स्पेलिंग है। तो उसमें लास्ट में लिखा था CID, साइड, है ना। तो CID में समझना, ये साइड मतलब हत्या, मर्डर, ठीक है। इसके लिए ये वर्ड यूज हो रहा है। तो किसी भी वर्ड के अगर पीछे साइड लिखा हुआ मिले तो समझ लेना कि वहां मर्डर से रिलेटेड वर्ड है, ठीक है। यहाँ पर हम कम से कम 50 वर्ड आपको कंप्लीट करवाएंगे, जैसा कि हमने फोबिया के 50 वर्ड कंप्लीट करवा दिए थे और हमने मेनिया वाले 50 वर्ड आपको कंप्लीट करवाए थे। वो सारे के सारे वर्ड हमने न्यूमोनिक्स की सहायता से कंप्लीट करवाए थे। न्यूमोनिक्स आप जानते हो, है ना, स्मृति विज्ञान जिसको बोलते हैं, मतलब उसी वर्ड के अंदर से कोई ना कोई ट्रिक का इस्तेमाल करके उस वर्ड को याद रखने की कोशिश करना स्मृति विज्ञान कहलाता है, या उसको न्यूमोनिक्स बोलते हैं। तो हम ये इतने वर्ड हैं, ये अभी आपको काफी डिफिकल्ट वर्ड दिखाई दे रहे हैं कि इतने ज्यादा स्पेलिंग, इतने बड़े बड़े वर्ड को हम कैसे याद रख सकते हैं, ये तो बहुत डिफिकल्ट वर्ड है। लेकिन हम न्यूमोनिक्स की सहायता को इन सारे वर्डों को बड़ा आसान और सरल बना देंगे और ये वर्ड आपको बड़े अच्छे तरीके से याद भी हो जाएंगे। हमारा टॉपिक चल रहा है साइड, है ना, साइड मतलब मर्डर। तो मर्डर से रिलेटेड हम यहाँ पर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर रहे हैं। तो अभी तक हमने वन से लगाकर 10 तक साइड वाले वर्ड कंप्लीट कर लिए। अब इस वीडियो में हम 11 से लगाकर 20 तक के वर्ड कंप्लीट करने वाले हैं। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट वर्ड आ रहा है फेलिसाइड। फेलिसाइड का मतलब होता है द मर्डर ऑफ वंस डॉटर और सन, है ना, मर्डर ऑफ वंस डॉटर और सन। डॉटर मतलब बेटी, है ना, और सन मतलब बेटा, मतलब अपने खुद के बेटा और बेटी, मतलब पुत्र और पुत्री की हत्या कर देना, वो कहलाता है फेलिसाइड। क्या कहलाता है वो? फेलिसाइड। नेक्स्ट वर्ड है फ्लोरीसाइड। फ्लोरीसाइड का मतलब होता है किलर ऑफ फ्लोवर्स। फ्लोवर्स का मतलब फूल होता है ना, जो फूल को नष्ट करता हो, जो फूल को नष्ट कर दे उसको बोलते हैं फ्लोरीसाइड। याद रखने की जरूरत ही नहीं है, फ्लोरी मतलब फ्लोवर, है ना, फ्लोरी का साउंड फ्लोवर जैसा आ रहा है, फ्लोरी का साउंड कैसा आ रहा है, फ्लोवर जैसा, है ना। तो इस टाइप से इस वर्ड को याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेट्रीसाइड। फ्रेट्रीसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ वंस ब्रदर सिस्टर, खुद के भाई बहन की हत्या करना, खुद के भाई और बहन की हत्या करना कहलाता है फ्रेट्रीसाइड। क्या बोलते हैं? फ्रेट्रीसाइड, है ना। इसकी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, अगर आपके दिमाग में कोई ट्रिक हो तो आप कमेंट्स करें, ठीक है। आपके दिमाग में कोई इसकी ट्रिक आ रही हो तो आप मुझे बताएं कि सर इसको इस टाइप से याद रखा जा सकता है, ठीक है। तो फ्रेट्रीसाइड मतलब क्या कहलाता है? द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर और सिस्टर। नेक्स्ट वर्ड है जेमिसाइड, है ना। जेमिसाइड का मतलब होता है सब्सटेंसेस रोगाणु जो रोग फैलाते हैं, रोग मतलब बीमारी, है ना, जिससे हमें बीमारियां फैलती है वो फैलाते हैं जम्स। तो जम्स जब हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे तो रोग होंगे, है ना, जैसे वायरस होता है, वायरस शरीर के अंदर प्रवेश करता तो बीमार हो जाते हैं, है ना। तो इसी टाइप से जम्स होते हैं, तो जम्स को नष्ट करना मतलब क्या कहलाता है? वो जेमिसाइड। तो देखिए जम्स का साउंड जेमी के साथ, जम्प, GERMS, है ना। और यहाँ पर इसको जम जम पढ़ते हैं, जेमी, जेमी को हम क्या पढ़ सकते हैं यहाँ पर? जम पढ़ सकते हैं। और जम मतलब जम्स, जम्स, है ना, जम का मतलब जम्स, समझ में आ रही बात आज। तो जेमी को हम क्या पढ़ सकते हैं यहाँ पर? जम पढ़ सकते हैं, जम से लगाएंगे हम जेमी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है जायंटिसाइड। जायंटिसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ जायंट। जायंट का मतलब क्या होता है? राक्षस, देवता और दानव। आपने देखा होगा देवता और दानव, टीवी के ऊपर तो देखेंगे, राक्षस सब जानते, जायंट बोलते हैं उसको, है ना। तो जायंट का मतलब क्या होता है? किलिंग ऑफ जायंट, जो जायंट राक्षस को मारने वाला हो, राक्षस को मारने वाला मतलब राक्षस की हत्या करना कहलाता है जायंटिसाइड। याद रखने के लिए ठीक का इस्तेमाल बड़ा आसान है, जायंट यहाँ पर आ रहा है, इसके नाम में भी जायंट आ रहा है, इस तरीके से वर्ड याद रखा जा सकता है। साइड आपको पता है, साइड मतलब मर्डर, जायंटिसाइड का मतलब किलिंग ऑफ जायंट, राक्षस की हत्या करना जायंटिसाइड कहलाता है। नेक्स्ट वर्ड है जिनेकोसाइड या फिर जिनोसाइड। देखिए दोनों वर्ड एक ही है, जिनेकोसाइड या जिनोसाइड, दोनों एक ही वर्ड है। द किलिंग ऑफ फीमेल्स, फीमेल की हत्या करना, मेल और फीमेल दो कैटेगरी होती है ना,
स्त्री और पुरुष, मेल फीमेल होता ना, और फीमेल की हत्या करना है, स्त्री की हत्या करना है, किसकी हत्या करना, फीमेल। हमने आपको होबिया वाले और मेनिया वाले वर्ड में पढ़ा था जीनो, एक वर्ड रूट वर्ड बताया था जीनो, मैंने बताया था कि जब भी जीनो अगर आए तो जीनो का मतलब फीमेल से रिलेटेड होता है, वर्ड किससे रिलेटेड होता है, फीमेल से। जैसा कि ध्यान दीजिए इधर, जैसा कि मैंने बताया था जीनोफोबिया बताया था, जीनोफोबिया जैसे जीनो है इसमें फोबिया लगा दो तो जीनोफोबिया हो जाता, फोबिया का मतलब डर होता, फियर ऑफ फीमेल, जो फीमेल से डरता हो उसको जीनोफोबिया बोलते हैं। और जीनोमेनिया क्या बताया था, जीनोमेनिया जो फीमेल जिसको जुनून हो फीमेल्स का उसको बोलते हैं जीनोमेनिया। और यहां पर क्या साइड है, जीनोसाइड, जीनोसाइड का मतलब होता है किलिंग ऑफ फीमेल्स, जो फीमेल की हत्या करता है उसको बोलते हैं जीनोसाइड या जीनोसाइड। आगे कह रहा है कि स्पेशली फीमेल, कौन सी फीमेल, इन्फेंट, इन्फेंट का मतलब होता है शिशु, शिशु, शिशु तो जानते हो, शिशु मतलब जिसकी उम्र एक साल से भी कम हो वो शिशु कहलाता है, जिसकी आंखें अच्छे से ना खुली हो, जो आपको अच्छे से देख नहीं पा रहा, नन्ना 8 दिन 10 दिन 15 दिन 1 महीने का जो बच्चा होता है वो शिशु कहलाता है, उसी को शिशु बोलते ना। तो स्पेशली फीमेल्स इन्फेंट्स, फीमेल जो है ना बच्ची जो शिशु है उसकी हत्या करना विशेष रूप से उसको बोलते हैं जीनेकोसाइड या जीनोसाइड, फीमेल्स की हत्या करना जीनोसाइड ही कहलाता है, लेकिन स्पेशली किसकी बात हो रही है यहाँ पर, फीमेल इन्फेंट्स की, जो फीमेल कैटेगरी है मतलब ऐसी बच्ची जो शिशु है अभी उसकी हत्या करना कहलाता है जीनेकोसाइड या जीनोसाइड। तो याद कैसे रखेंगे, इस जीनो से याद रखेंगे, जीनो जब भी आता है तो फीमेल्स की बात होती है, उसमें किसकी बात होती है, फीमेल की, स्त्री की। नेक्स्ट वर्ड है हेरेटिसाइड, हेरेटिसाइड का मतलब होता है द किलर ऑफ हेरेटी, द किलर ऑफ, तो कैसे याद रखेंगे, बड़े आसान है इसको याद रखना, हेरेटी लिखा हुआ है, हेरेटी यहाँ पे भी लिखा हुआ है, साइड आप जानते हो, और हेरेटी, हेरेटी का मतलब होता है अधर्मी, अधर्मी क्या बोलते उसको, अधर्मी, जो धर्म को नहीं मानता हो, जो धर्म का नाश करता हो वो होता है अधर्मी, है ना, जो धर्म के ऊपर नहीं चलता वो कहलाता है अधर्मी, उसको इंग्लिश में बोलते हैं हेरेटी, अधर्म की हत्या करने वाला, है ना, जैसे महाभारत का युद्ध हुआ था, धर्म और अधर्म, है ना, धर्म और अधर्म दो युद्ध हुए थे ना, धर्म, धर्म की तरफ कौन था, युधिष्ठिर, और अधर्म की तरफ कौन था, दुर्योधन, तो दुर्योधन की हत्या किसने की, दुर्योधन की हत्या की ना भीम ने की ना, कौरव पांडव में युद्ध हुआ, तो कौरव अधर्मी थे, पांडव धर्म प्रवर्ति के थे, है ना, तो अधर्म की हत्या कर सकेगा, ठीक है, तो याद रखने के लिए की जरूरत ही नहीं है, हेरेटिक इसमें लिखा हुआ है, हेरेटिक साइड यहाँ पर भी लिखा हुआ है, मतलब भी वही होता है ना, अपने मालिक की हत्या करना वो होता है हेरिसाइड, क्या होता है वो, हेरिसाइड, देखो यहाँ हेरिटिसाइड था और यहाँ हेरिसाइड है, टी आई नहीं इसी के मतलब है ना, तो ये भी अधर्म ही हुआ ना, जिस जिसका आप नमक खा रहे हो उसी को मार रहे हो, आप किसी के नौकर हो, मान लो किसी का काम कर रहे हो, उसका नमक खा रहे हो, उसके यहाँ खाना खा रहे हो और उसी को आप किल कर रहे हो, मान लो मार देते हो, तो अधर्म कर दिया आपने, तो इस टाइप इसको भी वही याद रख सकते हैं, तो हेरिटी साइड से ही हम इसको हेरिसाइड समझ लेंगे, है ना, इस टाइप इसको याद रख सकता है, तो किलिंग ऑफ मास्टर या लॉर्ड, अपने ही मास्टर अपने ही लॉर्ड की हत्या करना हेरिसाइड के अलावा, इसके अलावा आपके दिमाग में दूसरी चीज हो तो आप बता सकते हैं मुझे। होमिसाइड, नेक्स्ट वर्ड है होमिसाइड, द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, ह्यूमन बींग्स का मतलब क्या होता है, ह्यूमन यानी मानव होता है, मनुष्य, और बींग का मतलब जीव होता है, ह्यूमन मतलब मानव और बींग का मतलब जीव, मानव जीव, मानव जीव की हत्या करना, मनुष्य की हत्या करना, मानव प्राणी की हत्या करना, वो कहलाता है होमिसाइड। अब याद कैसे रखिए, हम कहला रहे होम, इसमें होम शब्द आ रहे हैं, तो ये होम, होम में कौन रहता है, मनुष्य रहते हैं ना, कौन रहते हैं घर में, कौन रहते हैं, मनुष्य तो रहते हैं, आप जानते हो नवजात शिशु है ना, जिसका भी जन्म हुआ है वो शिशु कहलाता है, द किलिंग ऑफ एन इन्फेंट, तो इन्फेंट की हत्या करना इन्फेंटिसाइड, याद रखने के लिए ठीक की जरूरत नहीं है, इन्फेंट लिखा हुआ है, साइड आप जानते हो, और इन्फेंट में दिया हुआ है, तो इन्फेंट साइड मतलब शिशु की हत्या करना, अब वो शिशु कौन सा, मेल फीमेल कोई सा भी हो सकता है, शिशु मतलब नवजात बच्चा, ठीक है।
आई होप ये सारे के सारे आपको वर्ड कंप्लीट तरीके से याद हो चुके होंगे। देखते हैं आपको कितना कुछ याद हुआ, इधर बिठा देते हैं, फिर देखते हैं रिवीजन करके आपको कितना। अब हमने इधर साफ कर दिया, देखते हैं फर्स्ट वर्ड है फेलिसाइड। फेलिसाइड, फेली का हमने बड़ा, फेली तो कुछ पता नहीं, बेली जरूर था, बेली का मतलब बिल्ली, जो बिल्ली की हत्या करता है क्या बोलते हैं, फ्लोरी का मतलब फ्लोवर, फ्लोवर है फूल, फूलों की हत्या करना फ्लोरीसाइड कहलाता है। फ्रेटिसाइड, फ्रेटिसाइड का क्या बताया था हमने, बता दी हमारे पास कोई ट्रिक नहीं है, अगर आपके पास कोई ट्रिक हो तो हमें बताए, कहा था ऐसा। अब बताओ इसको याद रखा जा सकता है क्या बिना ट्रिक के, नहीं रख सकते है ना। ट्रिक के द्वारा हमने सभी वर्डों को कंप्लीट किया, इसलिए हमने कोई ट्रिक नहीं बताई, याद नहीं हो रहा था, ठीक है। तो यही होता है ट्रिक का कमाल, ठीक है, किसी भी वर्ड को ट्रिक के माध्यम से हम बड़े आसानी से याद रख सकते हैं। जेमिसाइड, जेमी का मतलब जम, और जम्स की हत्या करना मतलब रोगाणुओं की हत्या करना जेमिसाइड कहलाता है। जाइंट साइड, जाइंट का मतलब राक्षस, राक्षस की हत्या करना जाइंट साइड कहलाता है, उसमें जाइंट साइड, जाइंट मतलब राक्षस होता है। जीनो को साइड या जीनो साइड, और जीनो का मतलब फीमेल होता है, फीमेल वर्ड जीनो किसके लिए होता है, फीमेल के लिए होता है, स्पेशली फीमेल कौन सा, इन्फेंट है ना, मतलब शिशु की हत्या करना कहलाता है जीनो साइड। साइड का मतलब ये हेरिटी शब्द उसमें आता है, हेरिटी का मतलब अधर्मी है ना, हेरिटी का मतलब क्या होता है, अधर्मी, द किलिंग ऑफ हेरिटी, अधर्म की हत्या करना हेरिटी साइड कहलाता है। और एक हेरी साइड बताया था, तो हेरी, हेरी साइड और हेरिटी साइड में एक ही लेटर का अंतर है, तो यहां टी आई आ रहा है, टी आई नहीं आ रहा, तो अधर्मी कौन होता है, जो अपने लॉर्ड, अपने मास्टर को ही किल करते हैं, अपने मालिक की जो हत्या करता है उसको बोलते हैं हेरी साइड। और होमिसाइड, होमिसाइड मतलब ह्यूमन बींग्स को किल करना, जो ह्यूमन बींग्स होता है ना वो होम में बोल देते हैं, मनुष्य रहता ना, तो मनुष्य जाति को किल करने वाला होता है होमिसाइड। इन्फेंटिसाइड, इन्फेंट मतलब शिशु है ना, इन्फेंटिसाइड मतलब किलिंग ऑफ इन्फेंट, किलिंग ऑफ इन्फेंट्स है ना, इन्फेंट्स मतलब शिशु की हत्या का हो उसको बोलते हैं इन्फेंटिसाइड। ये सारे के सारे हमने 20 वर्ड यहाँ पर कंप्लीट कर लिए, अभी हमारे और भी कुछ इंपॉर्टेंट 30 वर्ड और भी हमारे पास शेष है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उनको कवर करने वाले हैं।